लोग जातिगत आधार पर राजनीति करते रहिए, हम जातिगत आधार पर लोगों को पद दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या काट है आपके गठबंधन के पास, कांग्रेस के पास? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 सालों में क्या किया गया दलितों के साथ, क्या किया गया जो है हमारे जो क्या कहते हैं ओबीसी होते हैं, SC ST है, क्या किया गया उनके साथ, ये बताने में असमर्थ है। आज सिर्फ चेहरे बदलने का जो गेम है, आप देखिए हरियाणा की भी आप बात कर रहे थे, हरियाणा में आप देखिए एक दिन पहले प्रधानमंत्री जाते हैं उनकी तारीफ करते हैं और दूसरे दिन आते हैं और उसके बाद उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। तो ये कितना हास्यास्पद है कि एक प्रधानमंत्री जी जिस स्टेट में जाते हैं जहां पे इलेक्शन है, अभी आप देखिए किस तरह से पूरे देश में वहां एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, वहां की जनता को ये बताने के लिए कि ये व्यक्ति इस लायक नहीं है कि इसको दोबारा चुना जा सके, तो उसकी जगह वो चेहरा चेंज कर नहीं, उनको सकते। तो आज लोकसभा का तो टिकट भी दे दिए। लोकसभा का टिकट दे दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, इससे पहले भी वो सांसद ही होंगे। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज ये बताने में असमर्थ है कि उन्होंने किया क्या है। अगर आपने दलितों के लिए कुछ किया नहीं है, आपने जो है आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं है, तो फिर आप किस मुंह से वोट मांगेंगे? सबसे ज्यादा अपराध किसके खिलाफ होते हैं? आज 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो अभी भी वो बच्चे पूरी तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि सरकारी नौकरियां कब निकलेंगी, कब उनका आरक्षण उनको मिलेगा, उनका हक, उनकी हिस्सेदारी उनको मिलेगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रही है? इस मुद्दे पर लड़ रही है कि मेरा CM नकारा था, मैंने एक CM बदल दिया मेरा। और आप ये बताइए, इनके दो सांसद जो करंट में सांसद थे वो छोड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 4 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने जो है ये कहा है कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 2 सांसद ऐसे हैं जिनको टिकट मिला और उन्होंने कहा कि हम टिकट नहीं लड़ेंगे, हम इस लायक नहीं है। तो ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ठीक और है, मुद्दे उदयेश का उपाध्याय जी, अपनी पार्टी के चाल और चरित्र को सुना आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बता दिया, विश्लेषण कर दिया। देखिए राहुल जी, प्रियंका जी जो कह रही हैं शायद कोई चीज का पता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता अच्छा, पार्टी जो कार्य करती है, जनता के प्रति जो काम होते हैं उसको जमीन पर ले जाकर तब जाकर हम वोटर के पास जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, ये हमने काम किया हुआ है। कौन कौन से और एक काम बात और जमीन पे बता लिए दूं हैं? मैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 24 घंटे 12 महीने 7 और दिन काम करता है। और ये नहीं कि बड़े नेता नहीं है, छोटे से लेकर बड़े तक सब कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उतर कर कार्य करते हैं। हम मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं जनता से। और इसीलिए देखिए, जनता भी चाहती है देश के प्रधानमंत्री को, बार बार मोदी सरकार को चुनती, और कांग्रेस को क्या करती है, बार बार जो है बाहर नहीं, का रास्ता दिखाती अवधेश है। उपाध्याय जी, अब देखिए एक बात कांग्रेस का बताइए, सवाल ये दूसरा है, कार्यकाल एक लग मिनट रहा एक है मिनट आपका, प्रियंका जी, बार प्रियंका बार जी, एक नहीं। मिनट आपी मैंने का कभी सवाल किसी से करने जा सोचा रहा था हूँ। कि गरीबों को घर मिलेगा? अवधेश उपाध्याय आज जी, जो है प्रियंका जी का 5 करोड़ देखिए, से प्रियंका ज्यादा जी का गरीबों सवाल को यही मकान मिल है चुका है कि अगर मुद्दों प्रधानमंत्री की आवास राजनीति योजना के करते तो फिर ये माध्यम से। सीएम फेस क्यों, किसी ने सोचा था जातिगत बहन बेटी एक आधार, चूल्हे पर रोटी पकाती थी, जातिगत आगे आधार बेचारी पर चेहरे उनकी को मौसी फिट के क्यों वहां किया अंधेरा गया? हो जाती थी, उनको आज जो है मोदी अवधेश सरकार उपाध्याय द्वारा जी, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के अवधेश सिलेंडर उपाध्याय मिले हैं जी, 10 करोड़ से ज्यादा। आवाज आ गरीबों रही है के आपको? नहीं इलाज की सुनाई बात कर देगा लीजिए, उनको, आवाज आ रही नहीं है सुनाई आपको? देगा साढ़े पांच उनको। करोड़ से ज्यादा जो लाभार्थी हैं आयुष्मान योजना के, वो ठीक, आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। शायद आपका अच्छा फोन कट गया सुनिए, अवधेश उपाध्याय जी। आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, इनको पता है अभी एक नया तब सर्वे आया विकास जिसमें हो ये सके, लिखा ये है कि सोचा तब किसने सड़सठ सोचा, मोदी लाख सरकार ने सोचा, बच्चे और उसी के आधार बिना पर आप खाए देखिए। सो जाते हैं 24 घंटे तक। ये कितना दर्दनाक है सुनने में। और आप उसके बाद कहते हैं आप 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, कहाँ बांट रहे हैं, किसके पेट में समा रहा है ये राशन? जब 67 लाख बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, तो फिर धिक्कार ऐसी सरकार को नहीं जो तो कहती है हमें कि तो मैं सारी गरीबी कम सरकारों पर करती धिक्कार होना चाहिए, फिर केवल हम एक सरकार को बिल्कुल देश होना नहीं, ये तो चाहिए। देश, अगर ये तो कोई भी देश सरकार, की कोई भी बदकिस्मती है। सरकार मैं तो कह रहा हूं ये किसी देश भी की सरकार में बदकिस्मती है कि इतने बिल्कुल होना सालों बाद चाहिए, भी आप ये सही स्थिति कह अगर रहे बनी हैं। हुई है तो शुरू से लेकर अंत तक हर एक सरकार कटघरे में है। लेकिन सवाल 24 के चुनाव को लेकर हो रहा है, जो जीत हार का पैमाना तय करने को लेकर है, उसे लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, प्रियंका जी इस पर बैठे हुए चर्चा जी करने के लिए, मुद्दों की जी अगर बात की जाए तो हमें नहीं लगता कि मुद्दों पर कोई किसी पर भारी पड़ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये विडंबना ही कहिए यूपी बिहार के लिए कि आते आते सब कुछ जाति पर ही निर्भर करता है, ये आप बेहतर तरीके से समझती हैं जो राजनीति के जानकार हैं, जो करीब से देखते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी जानते हैं कि जातिगत आधार ही सब कुछ, हार जीत का पैमाना
तय करती है, लेकिन सवाल यही है कि वो तो मध्य प्रदेश को सीएम को बुला लाएंगे अखिलेश यादव की काट को लेकर, वो बताएंगे यादव के हितकारी अखिलेश यादव नहीं है, फिर 17 सीटों पर जीत कैसे मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि जिन 17 सीटों की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली वहां का जो जो, जो जनता है वो ये पूछेगी ना कि हमें कितना रोजगार मिला है। सिर्फ सीएम का फेस देखकर कि राजस्थान के सीएम को आप ले आए, और उसके बाद अगर राजस्थान के सीएम इतने ही अच्छे थे तो उनका कार्यकाल उनको जारी रखना चाहिए था, उनको बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। आप जातिगत आधार पर अगर वोट मांगने पहुंच रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आप जनता को वाकई में एक तरह से धोखा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो 10 साल थे, आप 10 साल में अपने काम करते, काम गिनाते और काम के बल पर वोट मांगते। पर आप हकीकत देखिए कि क्या है भारतीय जनता पार्टी की, क्या दिया 10 सालों में? अग्निवीर, 4 साल की नौकरी, क्या दिया? पुरानी पेंशन भी हटा दी, क्या दिया? आप देखिए ना कि जो बुजुर्गों को छूट मिलती थी ट्रेन में वो भी बंद कर दी, और उसकी जगह पे एक सेल्फी पॉइंट लगा पुराने दिया। पेंशन बीजेपी ने हटाए, और जी बिल्कुल, बीजेपी ने हटाया। और उसके साथ में दूसरी देखिए आप किस तरह से जो है ये किसानों को ठगते चले आए। इन्होंने कहा हम आय दुगनी कर देंगे, उसके बाद एमएसपी के नाम पर कहीं गायब हो। ठीक है, यानी कि इस बार आप लोगों की जीत पक्की है। अग्रिम बधाई अभी से दे देता हूं। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश जी, देखिए अखिलेश यादव की कार्ड को लेकर एक सीएम चेहरा लेकर आएंगे, बीजेपी कहेगी कि ये देखिए ये वाले हैं यादव हमारे, अखिलेश जी आप वाले यादव नहीं है, आप इनको इनकी बातों को सुनिए, है कोई कार्ड या सब यादव अखिलेश की सुनेंगे? नहीं, वो तो जनता इनसे खुद पूछती है कि आप कहते हैं कि हमने यादव मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश में, जो बैक बेंच में बैठे हुए थे, अंतिम वाले को हमने आगे आगे लेके आए, यानी आपने पहले ही कह दिया कि वो अंतिम आदमी है जो आपकी कृपा से आगे आया है। हमारे यहाँ भाई कृपा नहीं होती, हमारे यहाँ तो जो जैसा है, जो जिस लायक हो वैसा होता है। इनके यहाँ यस मैन की नियुक्ति होती है, दुनिया जानती है। अरे किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? मोहन यादव जी एक पार्टी चला के दिखा ले अलग से। अगर अहमियत जाननी हो तो जो व्यक्ति अपने आप को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तुलना करना चाहता है तो एक पार्टी अपनी भी बना ले उत्तर प्रदेश के, चला ले। कल्याण सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री हुआ था क्या भारत उत्तर प्रदेश के अंदर? उनकी तूती बजती थी जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब अपना दल बनाए तो क्या हुआ? वो आपके सामने, कद को कद से मिलाया जाता है, किसी की कृपा को कद से नहीं मिलाया जाता है। और भाजपा तो कहती कि हमने उस पर कृपा की, वो बैक बंचर थे, अंतिम पड़ाव के बैठे हुए व्यक्ति थे। तो जो अंतिम वाला व्यक्ति है कृपा से बना, वो अपने लोगों को कहां पावर्ड कर पाएगा? वो तो हर तरफ से उधर देखना पड़ेगा। यहां भी आए थे उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा होगा जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ रहे थे यहाँ क्या बोलना है, तो वो बता रहे थे ऐसे ऐसे बोल दो। वो बात अलग है कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, कान खोल के बैठते हैं, माइक ने कवर कर दिया। अब मीडिया पर आ गया। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मीडिया इस लायक है कि जब कवर कर लिया आपने कि क्या वो उनसे पूछ रहे हैं, वो क्या उनको बता रहे हैं, उनको तो यहाँ का समीकरण ही नहीं पता। और आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी है, जाति देकर लोगों को आगे लेकर के आए? कहना है कि आप पीडीए पीडीए कहते हैं, हम तो सबको पद दे रहे हैं, पीडीए चेहरा ला रहे हैं। वो पीडीए है ही नहीं, वो पीडीए है ही नहीं। पीडीए तो 69,000 में वो शिक्षक थे जहां 4% केवल आपने किया। भाई मुझे बताइए, जहां आपको 21% देना था वहां 4% का आरक्षण दे रहे हैं, पीडीए के तो मुंह पे आप लात मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब हम पीडीए के पास हैं। आप उनका आरक्षण क्यों खत्म किया? अभी विभिन्न सीटें निकली, सब पेपर लीक हो जा रहा, पीडीए कहां चला गया? कोई जमीन बेच करके फार्म भर रहा है? आवाज आ रही है क्या, सुन पा रहे हैं? आपके सामने है सारी चीजें, कहां है अपलिफ्टमेंट करने के लिए? पीडीए का अपलिफ्टमेंट होता है आरक्षण से, और आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनियां है ही नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है ये राहुल जी का हो सकता है, मान लीजिए पेट जो है वो जातिवाद से भर जाए, धर्मवाद से भर जाए। राहुल गांधी की बात 300 मैं आपकी बात नहीं, मेरी बात आदरणीय मित्र की नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भूख तो आपको भी लगती होगी।
कपीश रोस्तो जी सत्ता के भूखे नहीं है ना, क्योंकि कर रहे होंगे सत्ता के भूखे नहीं है, 370 से सत्ता के भूखे नहीं है, या हमें ताकत नहीं चाहिए, हम जहां है वहां सही है। आप लोग सोचिए, तलाक से इस देश के लोगों को आपसे रोजगार मिल जाएगा। कपीश रोस्तो जी छोटा सा सवाल था, आप किस तरीके से विश्लेषण करने लगे, ये समझ से परे है। आप घूम फिर कर मीडिया पर आप मुझ पर आ जाते हैं, क्या मिलेगा, मिलेगा क्या? जनता के बीच जाइए, जनता के बीच जाइए। लेकिन आपने कहा था ना, आपने कहा था अरे भाई मैं एक तो पार्टी बनाकर दिखा दे। अखिलेश यादव ने पार्टी नहीं बनाई, पिता से ली हुई पार्टी है, वो खुद की पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव से कहिए कि एक अलग से पार्टी बनाकर दिखा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से जातिगत समीकरण बीजेपी बैठा रही है, कैसे विपक्ष पार पाएगा? हालांकि 24 का परिणाम इसे बताएगा कि आखिर कौन सही कौन गलत। दो टुकड़े